सो हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन आधे परसेंट की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 1741 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, जहां पर स्टॉक ने ऊपर में 2200 रुपए का हाई बनाया था और लगातार ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक ने नीचे में एक बॉटम भी बना चुका है 1600 रुपए। यहां से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बन रहेगा। अब इस स्टॉक के अंदर जो एक फ्रेश सपोर्ट लेवल है वो 1695 रुपए का है, यानी 5 रुपए कम, वरना स्टॉक 1700 रुपए के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना चुका है। स्टॉक अभी इस प्राइस को ब्रेक डाउन नहीं कर रहेगा और एक रेंज पोन के अंदर ही ट्रेड कर रहेगा। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिया से, तो स्टॉक के अंदर नीचे में 1695 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें, 1695 रुपीस का। ऊपर के टारगेट अराउंड 1810 रुपीस शॉर्ट टर्म के नजरिए से, लॉन्ग टर्म के नजरिए से स्टॉक को आप 2200 रुपीस के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक एक बार ऊपर में 810 रुपीस के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बनाने में सफल हो जाता है। जो आप रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है। स्टॉक इस प्राइस को जैसे ही ब्रेकआउट देता है, स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी।